दोस्तों, अगर आप आर्ट में रुचि रखते हैं, आर्ट करना आपको बहुत ही पसंद है, तो ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशली बनने वाला है आज का वीडियो। आज एक आर्ट टेबल के बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रोजन आर्ट टेबल। जो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका अनबॉक्सिंग सिस्टम क्या है और इसमें क्या हम कर सकते हैं और मजे कैसे ले सकते हैं, उसी के साथ साथ आर्ट का पूरा सिस्टम प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त मनोज और आपको स्वागत है फिर से टॉयजन बालेश्वर पे। अभी आप देख सकते हैं हमारे हाथ में फ्रोजन का आर्ट टेबल। अभी हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से हमको क्या क्या मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमको वो पैकेट के अंदर से ये सारा चीज़ मिला है। ये एक प्रोजेक्टर का स्टैंड मिला है, ये टेबल, हाँ ये एक डस्टर भी है जो यहाँ पे आपको आर्ट करने के बाद इसको मिटा भी सकते हैं। ये चार टेबल के जो पहिए होते हैं, ये चार मिले हैं। इसी के साथ साथ एक स्केच का जो पेन सेट है और तीन इसमें कैटरेज दिया गया है, जिसमें 3, 6, 2, 8 नंबर, 8 काउंटिंग के अंदर इसमें पिक्चर्स दिए गए हैं जो ये प्रोजेक्ट करता है इसी के ऊपर, और आर्ट इसी के ऊपर देख के आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी एक ड्राइंग बुक दिया गया है, इसमें आप दूसरा कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये दिया गया है। अभी हम शुरू करते हैं इसका असेंबल कैसे करते हैं। ये इसको निकालने के लिए इसको स्क्रू का ज़रूरत पड़ता है, तो हम इसको ये पहले स्क्रू को निकाल देंगे। उसी के साथ साथ देख सकते हैं आप डबल ए साइज़ में 3 बैटरी इसमें लगता है, तो हम बैटरी डाल करके पहले इसका लाइट जलता है कि नहीं जलता है हम देखने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे पास जो है 3 सेल है, इसमें 3 सेल लगता है डबल ए साइज में। हम इसको देखें पहले इसी के साथ अंदर डालते हैं, फिर दूसरा जो है ऊपर लेफ्ट में और तीसरा राइट में। अभी देख सकते हैं हमारे पास जो ये लाइट जलने शुरू हो गया, अभी लाइट जलने लगा है। ये इसका ऑन और ऑफ स्विच होता है, यहाँ से हम ऑन और ऑफ स्विच काम कर सकते हैं। तो इसका कैप हम लगा देते हैं अभी। अभी देखते हैं ये टेबल को कैसे फिर असेंबल करते हैं। तो इसमें चार पहिए जो दिए होते हैं, हमने आपको पहले बताया था, तो चार पहिए इसके नीचे लगा करके टेबल को अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से। ये लग जाएगा यहाँ पे। देखिए ये अपना टेबल अभी रेडी हो गया है, और इसी के ऊपर हम इसको जो प्रोजेक्टर वाला लैंप जो था अपना स्टैंड के साथ, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ये हो गया फिक्स्ड, और डस्टर को यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से रख सकते हैं, आपका यूज़ के हिसाब से काम आएगा। तो अभी हमारे पास जो हमको मिला था कि 3 कैटरेज इसके अंदर से, देखिए 1, 2 और 3, इसमें से कोई सा भी हम इसके अंदर डाल करके इसका पिक्चर लाने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए ये यहाँ से आपको अंदर डाला जाएगा, तो ये डाने के मुंह के अंदर आप इसको डाल दीजिए, पूरी तरह से इसको फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद देखते हैं एक बार ये सही तरह से ये इसको सेंटर से घूमता है कि नहीं घूमता है। तो मान लीजिए कि हम इस पर रखते हैं, तो इस पर लाइट हम ऑन करते हैं, अब नीचे देखते हैं किस तरह का लाइट आता है। कैटरेज के ऊपर एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक सेंटर में देखिए एक बीट तरह दिया गया है, और इसमें इस तरफ प्लेन है। ये सेंटर वाला जो सिस्टम है आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर वाला आपको ऊपर की तरफ आपको लगाना है, जैसे कि उसका जो है पॉइंटर में लग जाएगा पूरी तरह से। देखिए ये पॉइंट में लग गया। अभी इसको हम अगर रोटेट करते हैं, तो रोटेट में आपको पता चल जाएगा कि एक एक करके इसमें पिक्चर आना शुरू हो गया। देखिए मैं जितना भी घुमा रहा हूँ, एक एक पिक्चर आना शुरू हो गया है। कुछ इस तरीके से हम 3 कैटरेज डाल सकते हैं। एक तो मैंने ये लगाया था, इसको निकाल देता हूँ, फिर दोबारा लगाता हूँ ये सेंटर को देखते हुए ऊपर तक, फिर यहाँ से हम डालने के लिए कोशिश करते हैं। फिर देखिए ये एक पिक्चर आ गया। तो अब चाहे तो इसमें छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, इसको आप घुमा भी सकते हैं सेंटर में लाने के लिए। ये देखिए आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, कोशिश करता हूँ तो आपको दिखाने के लिए। इसी के साथ साथ ये जो यहाँ पे पिक्चर आ रहा है, तो आप इसके ऊपर स्केच कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो अगर इसमें स्केच करेंगे तो आपके साथ वो डस्टर में आप उसको क्लिक करके इसको भी साफ कर सकते हैं। अगर आपको फिर ड्राइंग बुक का यूज़ करना है, तो ये ड्राइंग बुक को निकाल करके आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपके वो पेपर के ऊपर इसका पिक्चर आ जाएगा, जैसे कि ये वाला
देखिए मैं अभी दूसरा पिक्चर डालने जा रहा हूँ, ये वाला एक पिक्चर आ गया। फिर कुछ इस तरीके से हमको तीन कैटरेज मिलता है। हम इसके अंदर एक फ्रूट्स वाला जो है कैटरेज हम डाले हैं, और अभी देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक एप्पल का शेप बन रहा है। हाँ देखिए, इसके साथ साथ देखिए ये इसमें एक पिक्चर क्लैरिटी लाने के लिए एक लेंस भी दिया गया है। आप इसको यहाँ से घुमा सकते हैं क्लैरिटी आप लाने के लिए, पिक्चर का साइज़ और छोटा बड़ा में देखने के लिए। अब इसको ब्लोर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से काम बन जाएगा। इसको क्लियर पिक्चर भी कर सकते हैं, पिक्चर साइज़ के हिसाब से ये काम आता है। तो हम एक कोशिश करते हैं कि आपको पिक्चर बना करके आपको दिखाने के लिए, देखते रहिए किस तरह हम इसको स्केच करते हैं। हम एक ब्लू वाला पेन लेते हैं स्केच का, तो इसके ऊपर एक पेपर डालते हैं। पेपर डाल करके हम इसको आर्ट करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हम इसको आर्ट करना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। हमें तो ज़्यादातर पे आर्ट आता नहीं है, लगता नहीं है कि हम सही से इसको खड़ा उतर पाएंगे। आप सभी को पता होगा कि आर्ट कैसे करते हैं और आप मज़े भी ले रहे होंगे। आप सभी ने देखा कि मेरे हाथ से ये पिक्चर बना है, हालांकि ये थोड़ा ख़राब भी दिख रहा है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अगर टाइम ले करके, मैं तो जल्दी जल्दी बना दिया, आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसी वजह से। तो आप कोशिश करिएगा कि बच्चों को ये चीज़ दिखाने के लिए, और वो लोग बहुत अच्छा सा इंटरेस्ट लेके ये काम करेंगे, मुझे ये यकीन है पूरी तरह से। और अगर इसके ऊपर आप जो है व्हाइट बोर्ड की तरह आप यूज़ कर सकते हैं आर्ट करने के बाद, फिर इसको आप ये डस्ट के साथ ये इसको मिटा भी सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी सही तरह से समझ गए होंगे इसको असेंबल और यूज कैसे किया जाता है। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिएगा, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। सो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।